अब मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मम्मी पीछे बैठी हैं। आपको देखते हैं, हमारा मौसम बहुत धूप हो रही है। देखा ओह नो, इधर तो बारिश हो रही है। देखो गाइस, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। देखो टप टप पानी पड़ रहा है और हमारे ऊपर भी गिर रहा है। आपको पता ही होगा हमारे पत्ते नहीं हिल रहे हैं। देखिए, आपको दिख रही होगा, देखो सारे पत्ते हिल रहे हैं, से ये वाले नहीं हिल रहे। और देखो ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। आपको दिखा देती हूँ मैं, आपने देखा ही होगा हमारे यहाँ बहुत ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। और मैं हाथ लगा रही हूँ तो मुझको भी गिर रहे हैं, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ गाइस। मैंने कुछ ना पहना है। अभी पापा और मम्मी और भैया के लिए सब स्वेटर्स, जैकेट और पैंट फूल। और देखिए गाइस, मेरा क्लिप भी उड़ रहा है, सब उड़ रहा है। और मैं अपनी क्लिप निकाल देती हूँ, उसको निकाल दिए। और देखिए मेरा पूरी भूल चुकी हूँ। आपको मम्मी के बाद देखना है तो मम्मी के बाद तो बहुत बिक गए। और मैं इतनी बिक गई ना, मेरे ऊपर ही बारिश आती जाती है। और आपको देखा ही होगा हमारे वो भी गीले होंगे। और गाना भी वही चल रहा है, जय श्री राम का। सो बंद हो गए गाने और बज रहे हैं शाम के 5। और गौरा इस टाइम सो रही है, ये रही पापा के पास सो रही है। वो मतलब उठ चुकी है कई बार, लेकिन बार बार उठती है, सो जाती है उठ, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि मौसम ऐसा हो रहा है। देखो हमने भी स्वेटर पहन लिया है, बहुत ठंडा हो गया कल रात से, स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ गई है। फ़ैन बिल्कुल बंद हो गए हैं, मतलब मई का महीना और ठंड आ चुकी है। और मेरे हाथ में लग रही है झाड़ू, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और जो काम करने वाले हैं वो जा चुके हैं। अब मेरा काम है सफाई का, तो मैं सफाई करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ क्या काम अभी हुआ है हमारा, कितना रह गया है, कितना हो गया है। अभी देखिए ये पूरा बाथरूम खुदा पड़ा पूरा। आज यहाँ पे पाइप्स लगे हैं, प्लम्बर का काम था आज। आज प्लम्बर्स पाइप लगा के गए हैं, ये सीट वगैरह के लिए अरेंजमेंट करके गए हैं। और कल आके सीट लग जाएगी और फिर उसके बाद एक बार और केमिकल लगेगा। केमिकल एक बार लग चुका है टॉयलेट में, एक बार और लगेगा। और अभी सब फैला पड़ा है हमारा घर, मतलब अभी कुछ दिखाने लायक नहीं है। ऐसे ही हम लोग नीचे सो रहे हैं, यहाँ पे नीचे हम सोते हैं अभी फ़िलहाल। बाथरूम वो तैयार है लेकिन फिर भी इतना कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे भी सभी ऐसा ही अभी फैला पड़ा है, कुछ दिखाने लायक नहीं है। मतलब कुछ नया नहीं है कि मैं दिखाऊं कि ये ऐसा हो रहा है, अभी सब फैला ही पड़ा है। बस एक चीज़ है कि हमने ये डोर नहीं लगवाए हैं बाथरूम में, दोनों बाथरूमों में। और जब ये मैंने कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी ही, लेकिन अभी फ़िलहाल सब फैला पड़ा है, इतना ही है। सो देखा आपने, ये काम फैला पड़ा है, घर ही फैला पड़ा है। मैं झाड़ू पोछा करूँगी अब, मैं थोड़ा सा घर साफ़ कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ डिनर। गोली गया हुआ है खेलने, और आज गोली की टीम जीत गई है। आज उसका मैच था फुटबॉल का, और बल्कि मैंने मैसेज गलती से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे ये था कि फ़ाइनल मैच है आज, लेकिन गोली का मैच नहीं है। लेकिन बाद में उसका कॉल आया कि मम्मी मेरी ड्रेस भेज दो, क्योंकि आज मेरा फुटबॉल मैच है। फिर ये जल्दी से देख के आए और फाइनली गोली की टीम जीत गई, और बहुत खुश था वो आज। सो मिलते हैं बाद में झाड़ू पोछा करके, बच्चे जब उठते हैं। अब मैं यहाँ कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और डिनर में मैंने बनाया है लौकी और चने की दाल, क्योंकि लौकी सिंपल अगर बनाते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो लौकी में कुछ ना कुछ साथ में या तो आलू या फिर चने की दाल डाल के बनाती हूँ, तो बच्चे स्वाद से खाते हैं। तो शाम हो चुकी है, तो पूजा का टाइम हो चुका है। मैंने पूजा कर दी थी और गौरा का मन था कि मैं कुछ मंत्र पढूं, तो गौरा भी अपना गायत्री मंत्र पढ़ने की तैयारी कर रही है, और गायत्री मंत्र उसने बड़े अच्छे से पढ़ा। भर
खरगोश वश में थी। यूना प्रचोदया ओम भूर भुव सवार दस्तवितुर दिमाग पागल है मेरा। पागल हो रहे? मैं देखो एक आंटी थी और एक उनका छोटा बेबी था। काव्य और मैं थी, हम वॉक कर रहे थे, जैसे ही डिम्पी आई लड़ाई करने लग गए। तो मैंने कहा तू पागल है, साली नहीं है। तो मैंने बोला यहाँ से हट जा, एक थप्पड़ मारूंगी वरना। मैंने सोचा फिर डिब्बे में फिर कहाँ पहन गया। सो बन गया है डिनर और बच्चे कर रहे हैं डिनर। गोली और गौरा खा रही है चावल, गौरा को पसंद नहीं है रोटी। और देख रहे हैं गुल्लक वेब सीरीज है, वेब सीरीज है। क्या बता दिया, किसको बता दिया? हरी मिर्च खा रहा है, किसके बारे में बता दिया? तो ये लोग कर रहे हैं अपना डिनर, देख रहे हैं टीवी और मैं भी अपना लेके बैठती हूँ डिनर, मेरा बना लिया है अपना। और पहले डिनर करती हूँ, उसके बाद किचन वगैरह साफ होता है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। होप आपको शायद अच्छा लगे हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी प्लीज़ कीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।